हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीसी बॉयज ब्लॉग में। तो कैसे आप लोग, आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक हो गए। और क्या कहा, हम लोग भी बिल्कुल बढ़िया हैं यार। आप लोगों का प्यार है हमारे साथ, इसलिए हम बिल्कुल बिंदास हैं, बढ़िया हैं। तो आज हम जा रहे हैं रामनगर भाई बाइक लेने टेस्ट ड्राइव। दीप भाई बैठा है यहाँ पर साइड में। दीप भाई बताओ कैसे हो आप लोग? अभी हम रामनगर से थोड़ा पीछे, तो हम जाएंगे रामनगर और देखेंगे वहाँ पर कि हमें कहाँ जाना है। अभी हमने कुछ डिसाइड ही नहीं किया है कि हमें कहाँ जाना। चलो अब चलते हैं, हमारे साथ, हमारे इस सफर में हमारा साथ दो और अपना प्यार दो और हम चले इस तरीके से। चलो भाई, चलो बिल्कुल दीप भाई पिलाएंगे। अरे मैं पिला दूंगा भैया। चलो फिर चलते हैं। पानी में पिला दूंगा भाई, पानी में पिला दूंगा। दूसरा केडी पिला देगा, पानी में पिला दूंगा भाई। तुम कहाँ से आ रहे हो? ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी। भाई बाईपास भी पार कर चुके हैं और अब हम चलते हैं कुछ अपने रामनगर शहर में। इस बाईपास से जाऊंगा, ये भी पहले बना हुआ नहीं था, तो मैं इस नए रूट से भी जाना चाहूंगा। बिल्कुल हमारा भवानीगंज कुछ इस तरीके से दिखता है और ये हमारे भगत सिंह चौक बनी है यहाँ पे, जैसे हमारे बाजपुर में। अब यहाँ से हम मुड़ते हैं। भाई स्कूटी वालों, हेलमेट तो लगा लिया करो, ये यहाँ पे काफ़ी लापरवाही है भाई, बिना हेलमेट के राइड कर रहे हैं। चलो जो भी है, देख सकते हो भाई, मुझे तो डर लगता है भाई। देखो इनका इंडिकेटर चल रहा है राइट वाला, पता नहीं कहाँ मुड़ते हैं ये। तो चलो मुड़ रहे हैं, हम निकलते हैं भाई। आराम से यार चढ़ाओगे क्या बाइक हमारे ऊपर? और गियर लीवर में भी दिक्कत है यार, बार बार गियर लीवर को मुझे देखना पड़ रहा है पैरों से और मुझे लगाना पड़ रहा है वहाँ पे। अब मैं यहाँ से निकलने के लिए, भाई टेम्पो वाले तो कमाल ही कर रहे हैं। यहाँ पे बस लगती है रामपो काशीपुर के लिए, ऑटो स्टैंड है यहाँ के लिए, हमें ऑटो मिल सकते हैं, गर्जिया के लिए मिल सकते हैं, कहीं के लिए भी हमें, ये ऑटो स्टैंड है। कभी आप रामनगर आओ तो देख सकते हो, डाकघर के जस्ट पास में ही ऑटो स्टैंड मिलेगा आपको, यहाँ से आप ऑटो ले सकते हो गर्जिया घूमने के लिए हो गया, और थोड़ा कहीं भी लोकल का ट्रिप कर सकते हो यहाँ से। अगर ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झकझोरी क्यों ना, सूरज की किरणें आने दे मेरे में। तो हमने सोचा था कि हम यहाँ पर थोड़ा घूमेंगे पार्क में, बट यहाँ पर तो टाइम का ही पता नहीं था हमको। तो देख सकते हो आप टाइम, और यहाँ का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत ही अद्भुत। पहले से काफ़ी अच्छा हो गया ये। तो चंदन भाई गए हमारे भैया बाइक का टेस्ट लेने के लिए। पता नहीं कितनी देर में आएंगे हम यहाँ धूप में, क्या कहूँ भैया, बहुत गर्मी हो रही है। अजय भाई कहाँ आएंगे आज? भाई पहले जगह तो यहाँ भी अच्छी है, पीछे लगी हुई है, लेकिन अपने लोग वहीं चलते हैं, वहाँ पर क्राउड कम है, यहाँ पर क्राउड बहुत है भाई। भाई सूख गए हैं चंदन का इंतजार करते करते। जो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि बाईपास बनाए वहाँ से बैराज से, पहले से ये जो बाईपास बनाए वो ये है बाईपास, और ये बाईपास को हम निकल रहे हैं। ये बाईपास हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है, बहुत बढ़िया है, ये शॉर्ट है वहाँ से काफी। अब चल जाने दे जो भी बीत, ओ जगह ताने पे ताने दे उनकी सुने। यहाँ पर भाई कैसा लगा टेस्ट ड्राइव में? काफी बढ़िया लगा, बट ये हमारा गियर लीवर में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, इसके लिए बाकी सही है ना भाई? हाँ बाकी सब बढ़िया है, बाकी तो सब जो भी सेंसर थे सब बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और बस थोड़ी गियर लीवर में दिक्कत है, उसके लिए भैया को फोन करूंगा मैं आज और उन्हें बताऊंगा ये दिक्कत की। हमारा बुर्श और बार्सल वो गिर चुके हैं या पता नहीं ख़राब हो गए, मुझे नहीं पता, आपको दिखाया था मैंने, और मैं उनको आज फोन करके बताऊंगा सारी प्रॉब्लम जो जो है। और मैंने आपको बाईपास दिखाया यहाँ पे, और अब लेकिन भाई कुछ भी हो चंदन भाई ने सुखा दिया गर्मी में, कसम से यार भाई इतना लेट कौन आता है। यहाँ पर बन रहा है गन्ने का जूस और चंदन भाई को लगी है बहुत प्यास, बेचारे का पसीना भी आ गया इनको। देखो देखो सावन आए रे मन हसाए मितवा, और सारी उमर ना गवा दे मितवा, क्यों सोचे बादल हरे हैं जबकि वो तो रुक। हमने पी लिया है जूस, तो हम चलते हैं अब नहाने के लिए। भाई बहुत ही गर्मी लग रही है। अजय भाई जूस पी कर तरावड़ आ गई यार, मजा आ गया। चले भी नहाने चले, नहा चलते हैं यार अब। चलो चलते फिर नहाने, चलते हैं अपनी बाइक के पास, और वो खड़ी अपनी बाइक। चंदन भाई तो पहले ही आ गए यहाँ पर। चले चंदन भाई पहनो फिर हेलमेट, है क्योंकि बारिश तो आनी है ना। एक कोल्ड ड्रिंक और थोड़ा बहुत स्नैक्स ले लेते हैं, फुल में पूल और बैठे हुए चिल करेंगे ना। जय बजरंग बली।
अरे सही है, थैंक्स, सब ले लो, सही है। तो हमने ले लिया है सामान अपना, खाने पीने का जो है, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स हो गए, कुरकुरे हो गए। तो आखिरकार हम पहुंच गए अपनी मंजिल पे, ये है, यहाँ नहाने वाले आज हम भाई, मजा आ जाएगा। चंदन भाई मजा आ जाएगा, आज नहीं आएगा, नहाऊंगा पूरा, फुल मजा आ गया यहाँ पे। अब मैं जा रहा हूँ नहाने के लिए, गोप्रो हमने निकाल लिया अपना ये, और अब हम चलते हैं नीचे, आओ मेरे साथ। चलो भाई लोगों, चलो नीचे चलो यार, यहाँ पहले खुद नहा ले, गाड़ी धो लेंगे। चाबी अभी निकाल ली, भाई की चाबी निकली है, ठीक है चलो। ओम फो, मजा आ रहा है ना भाई, लग रहा है ना, मजा आ रहा है सीन देखकर यहाँ का यार। ये रही हमारी मंजिल, नहाने की जगह यार, कुछ इस तरीके से है, देख सकते हो आप गाइस, मजा आ जाएगा यार दोस्तों, मजा आ जाएगा भाई। गर्मी में ऐसा ठंडा पानी मिल जाएगा, और वो भी चलता हुआ पानी, बहता हुआ ठंडा। ये रहा पीछे का नजारा अपने, क्यों चंद भाई, बहुत मजा आएगा यार नहाने पे, आप करे भी नहाना स्टार्ट, नहाते चलो। मेरे रंजना बता गया कदा देना, ये आए नाचे गाए देखो राग है मल्हार, ओ नित नित लाके रंग सवारी ये जहां या ना। तो हे फ्रेंड्स, अब हम नहा लिए, काफी देर तक गर्मी थी और गर्मी का आनंद लिया हमने यहाँ पे नहाते हुए, देख सकते हो पीछे काफी बढ़िया यार वाटरफॉल है पूरा। तो आज के लिए हमने कर लिया बहुत फन, तो आपको हमारे अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी कहें, और भाई घंटा जरूर दबा देना गाइस, तभी मजा आएगा हमारी अगले ब्लॉग में, आपको भी फुल मजा आएगा इसी तरीके से वाटरफॉल पर नहाने का, और आपको भी मौका मिलेगा हमारे साथ नहाने का। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू। अरे बोलो ना सूरज की।